स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर छात्रों एवं अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। अलीगंज के गंगटी प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं और अभिभावकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहां के बच्चों का कहना है कि इनका स्कूल पूरा जर्जर हो चुका था, जिसके बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल को महेशपुर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां जाने के लिए छात्र छात्राओं को अलीगंज मुख्य सड़क पार करके जाना पड़ता है, जिससे आए दिन दुर्घटना का डर लोगों में बना रहता है, जिस कारण से कई बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। वहीं इन लोगों की मांग है कि सरकार इनके जर्जर हो चुके स्कूल को चाहे तो ठीक करा दे या फिर नया भवन बनाकर स्कूल को यहीं पर चलाया जाए। इसको लेकर बच्चों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से मांग की है कि इनके स्कूल को यहीं पर बनवाकर चालू किया जाए। बच्चों और अभिभावकों के द्वारा स्कूल बनवाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। जाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सब सुरक्षित है, शिक्षा हुए, यहाँ से बच्चा महेशपुर जाते हैं। हम लोग को डर लगता है कि भालीगंज में गाड़ी घोड़ा चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, माँ बाप क्या कर सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि स्कूल समाधान बन जाए, मेरा हम लोग का बाल बच्चा पढ़े लिखे यहाँ। क्या पोजीशन में अभी स्कूल? तो पूरा खंडहर हो गया, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है स्कूल का। कितना बच्चा यहाँ से जाता है? हमको तो लगता है कम से कम 200 बच्चा यहाँ से स्कूल में पढ़ते थे, भैरवपुर अलीगंज ऊपर गंगटी का सब बच्चा सब पढ़ते थे पूरा। अभी सब बच्चा नहीं जाता? नहीं, सब बच्चा नहीं है, गाड़ी माँ बाप नहीं भेजता है, डर लगता है कि बच्चा में एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो माँ बाप क्या करेगा, हाथ पकड़ के सोएगा ना कि सरकार क्या करे जिसका गया गया उसका। मेरा नाम पिंकी देवी है। यहाँ पे 200-300 घर है और एकमात्र स्कूल हमारे गंगटी में है, ठीक है, सदियों से आ रहा है। और हमारा परेशानी हम लोग के समाज का बच्चा जो जाता है यहाँ से पढ़ने, बहुत डर लगा रहता है क्योंकि बहुत बिजी रोड है और कई बच्चा जख्मी भी हो गया है, धक्का भी मार दिया है। हम लोग का समाज का गार्जियन भेजना नहीं चाहता है, इसलिए डर बना रहता है। हम लोग यही समाज के आदमी चाहते हैं कि हमारा स्कूल सुरक्षित बन जाए और हम लोग का बच्चा समाज का यहाँ पढ़े, जो कि हम लोग का गार्जियन को डर नहीं रहे और हमारा बच्चा सुरक्षा से सुरक्षित जाए और घर आवे। मेरा नाम सुबोध कुमार, वार्ड नंबर 42 के जनता। रोड पार करने में यही परेशानी होता है, क्या उधर से इधर से गाड़ी आता है, इसी कारण धक्का उक्का लग गया। मेरा भाई जो था ना वो पट्टी जाता था, टेम्पो वाला ठोकर मार दिया था, कुछ नहीं हुआ था, खाली ऐसे दर्द पड़द हुआ और कुछ नहीं। क्या चाहते हो? स्कूल बनना चाहिए बढ़िया, नहा से और किधरों ना जा सके, बच्चे को तकलीफ से बचना चाहिए। इस क्या नाम है बाबू? अनुज कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 में। किस स्कूल में पढ़ते हो? महेशपुर। स्कूल का नाम है ना? आइए।